हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शहर पुलिस ने नशीले और मादक पदार्थ रखने वाले अपराधियों के विरुद्ध शनिवार को कार्रवाई को अंजाम दिया। गांजा विक्रय करते एक युवक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 160 ग्राम गांजा जब्त किया। एसीपी जय यादव के निर्देशन में जिले में नशीले और मादक पदार्थ बेचने वाले और खरीदने वाले की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत शहर थाना स्तर पर विशेष टीम का गठन किया गया। टीम में शामिल शहर कोतवाल हंसाराम सिरवी, सहायक उप निरीक्षक मगनाराम, कांस्टेबल आम प्रकाश, रोहिताश और रामजी लाल द्वारा अधिकाधिक गश्त करते हुए बदमाशों पर निगरानी रखी गई। मुखबिर मामूर किए गए। टीम द्वारा लगातार कड़ी मेहनत की गई। संगीन बदमाशों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के चलते शनिवार को मुखबिर से सूचना मिली कि मिलकोटी दरगाह रोड पर जाफर अली नामक व्यक्ति अवैध रूप से गांजा बेचने के लिए खड़ा है। इस पर घोसी मोहल्ला के बड़ी गली निवासी जाफर अली को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 160 ग्राम गांजा जब्त किया। आज मुखबिर से सूचना मिली थी कि जाफर अली का एक व्यक्ति है जो शमशान रोड पर गांजा बेच रहा है। इससे पहले भी शिकायत आई थी लेकिन वो मिल नहीं रहा था, लेकिन आज काफ़ी निगरानी रख करके उसको पकड़ा। तलाशी ली तो करीब 250 ग्राम गांजे की बीज और गांजे पत्ती मिली है। उसको आज एनडीपीएस का मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया गया। आरोपी से अवैध मादक पदार्थ की तस्करी में शामिल अन्य अपराधियों के बारे में गहनता से पूछताछ की जा रही है। आबू रोड से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।